हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले मोटो G64 5G हमारे पास फ़ोन है। इस फोन में रिंगटोन कैसे चेंज करते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जब वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए आपको रिंगटोन बदलनी है, इसके लिए आपको करना है अपने फोन की सेटिंग ओपन करनी, इसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना। इसके बाद आपसे बोलने मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से ना फुल कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आपको फोन रिंगटोन सिम बनिया क्लिक करना। इसके बाद से मोटो की तरफ से जितनी भी रिंगटोन है वो सारी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने डाउनलोड करके रखी पहले से, अगर वाली रिंगटोन लगाना उसके लिए आपको करना है सबसे नीचे क्लिक करना ऐड रिंगटोन पे। तो यहाँ से मैं ऐड रिंगटोन पे क्लिक कर लेता हूँ सबसे नीचे। अगर आप अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करना। इसके बाद यहाँ आपको फाइल मिल जाएगा ऑप्शन डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ दोनों मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अगर आपके फोन में डाउनलोड होगी तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मेरे फोन में डाउनलोड है नहीं, तो यहाँ से बैक करके मेन में से लगा लेता हूँ कोई सी मोटो की तरफ से। तो मैं ये वाली रिंगटोन जो लगा लेता हूँ, ये वाली लगा ली। इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना और इसके बाद मैं रिंगटोन दिखा देता हूँ, ये लग चुकी है। इसके बाद इसी सेम तरीके से आपको सिम टू पे लगानी है, तो सिम टू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ से मोटो की तरफ से मिल जाएंगी। इसके बाद आपको अपनी तरफ से लगानी है तो ऐड रिंगटोन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ से आपको रिंगटोन मिल जाएगी। अगर आपके फोन में होगी तो मेरे फोन में है नहीं, तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ और बैक करके मैं इनमें से लगा लेता हूँ इसी मोटो की तरफ से। ये वाली लगा ली मैंने, यहाँ से बैक करना और बैक करके मैं दिखाता हूँ रिंगटोन लगाने लग चुकी है। तो आप भी अपने फोन में इस तरीके से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें। वहाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।